एमएस वर्ड 2016 के इस अध्याय में फॉर्मेट टैब में एडजस्ट ब्लॉक के अंतर्गत आज आप सीखेंगे पिक्चर बैकग्राउंड हटाना, आर्टिस्टिक इफेक्ट डालना, पिक्चर कंप्रेस करना इत्यादि। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वर्ड डॉक्यूमेंट में हमने पहले से ही एक इमेज डाल रखी है। इमेज में एडिटिंग करने के लिए हम इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे। इमेज सिलेक्ट करते ही ऊपर मेन्यू बार में फॉर्मेट टैब दिखाई दे रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। आज इस वीडियो में हम आपको फॉर्मेट टैब के एडजस्ट ब्लॉक के सभी ऑप्शंस के बारे में बताएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही इमेज का कलर कुछ इस तरह का हो जाएगा और एक अलग मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसमें आपको कुछ और ऑप्शंस दिखेंगे। इनमें से सबसे पहला ऑप्शन है मार्क एरियाज टू कीप, मतलब उन एरियाज पर क्लिक कीजिए जिन्हें आप इमेज में रखना चाहते हैं। हम उन एरियाज पर क्लिक करते हैं और अब इसको ड्रैग करते हुए वो एरिया आप लेते जाएं जो आप रखना चाहते हैं। ये हमने एरिया सेलेक्ट कर लिया है, अब हम एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, जो एरियाज हमने मार्क किए थे उनके अलावा इमेज के दूसरे सभी पार्ट्स रिमूव हो गए हैं। अब हम ये चेंज हटा देते हैं और दूसरा ऑप्शन देखते हैं। जिस तरह से हमने इस ऑप्शन का उपयोग किया, इसी तरह से आप दूसरे ऑप्शंस का उपयोग भी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है करेक्शंस। जब हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने पर एक मेन्यू ओपन होता है। इसमें आपको यही इमेज अलग अलग कलर फॉर्मेट के साथ दिखाई पड़ेगी जिनमें शार्पनेस और ब्राइटनेस कम या ज्यादा होगी। हम जिस भी इमेज पर माउस ले जाएंगे इमेज में वो चेंजेस आपको दिखाई देंगे। अब हम इसमें से किसी भी एक इमेज पर क्लिक करते हैं। ये हमने इस इमेज पर क्लिक किया, देखिए ये इमेज चेंज होके ऐसी हो गई है। अब हम दोबारा करेक्शंस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको कुछ और ऑप्शंस के बारे में बता देते हैं। इसी मेन्यू में नीचे की तरफ आपको पिक्चर करेक्शंस ऑप्शंस दिखेगा, इस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही राइट साइड में एक मेन्यू ओपन होगा, इसमें भी पिक्चर फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। जैसे शार्पनेस के लिए प्रीसेट ऑप्शन भी है जैसे कि ऊपर वाले मेन्यू में थे, और उसी के नीचे स्लाइडर है जिसकी सहायता से भी आप शार्पनेस कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसी तरह आप ब्राइटनेस भी सेट कर सकते हैं। अब हम आपको एडजस्ट ब्लॉक के अन्य ऑप्शंस के बारे में बताते हैं। कलर ऑप्शन की सहायता से आप इमेज को अलग अलग कलर दे सकते हैं। ये देखिए, जिस भी ऑप्शन पर हम माउस ले जा रहे हैं इमेज का कलर वैसा हो रहा है। आपको जो भी कलर सेट करना हो उस पर क्लिक कर दें। आपको इसी मेन्यू में नीचे भी तीन ऑप्शंस दिखेंगे। इनमें पहला ऑप्शन है मोर वेरिएशन, जिस पर माउस ले जाते ही कलर की लिस्ट दिख जाएगी। इसमें से आप चाहें तो अलग अलग कलर चुन सकते हैं। उसके नीचे है सेट ट्रांसपेरेंट कलर, जिसकी सहायता से आप इमेज के बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। पर एक बात का ध्यान रखें, इस ऑप्शन की सहायता से सभी इमेजेस का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। हम इस पर क्लिक कर रहे हैं और अब हम इस पिक्चर पर क्लिक कर रहे हैं, पर यहाँ पर देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। हम दूसरे पिक्चर पर ये करके देखते हैं। पहले हम एक नई पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं। ये हमने नई पिक्चर इंसर्ट की। अब इसमें हम इस ऑप्शन का उपयोग करके देखते हैं। सेट ट्रांसपेरेंट कलर हमने चुना और अब जहां पर भी हम क्लिक करेंगे वहां से वो कलर हट जाएगा। अब इस पूरी पिक्चर में जहां जहां पर ब्लैक था वो देखिए वो सब हट गया है, ये ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब हमको अगर किसी और कलर पर ये करना है तो वापस से हम सेट ट्रांसपेरेंट कलर चूज करेंगे। मान लीजिए ब्लू हमको हटाना है तो ये हमने ब्लू पर क्लिक कर दिया,
तो ये देखिए ब्लू ट्रांसपेरेंट हो गया है और पुराना वाला जो ब्लैक था वो अपने आप वापस आ गया है। इसको हमने वापस नॉर्मल कर दिया है। सबसे लास्ट में पिक्चर कलर ऑप्शंस हैं। इस पर क्लिक करते ही राइट साइड में वही मेनू ओपन होगा जो पहले हुआ था। इसमें नीचे की तरफ आपको पिक्चर कलर वाले ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ से आप इमेज के लिए कोई भी पसंदीदा कलर चुन सकते हैं। यहाँ प्री डिफाइंड ऑप्शंस के अलावा स्लाइडर्स भी दे रखे हैं, जिनकी सहायता से आप इमेज में अपने अनुसार कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आपको क्रॉप का ऑप्शन मिलता है। ये ऑप्शन आपको साइज ब्लॉक में यहाँ पर ऊपर भी मिलता है, जो हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एडजस्ट ब्लॉक के दूसरे ऑप्शंस देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आर्टिस्टिक इफेक्ट्स, जिसे क्लिक करने पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा। ये देखिए जिस भी ऑप्शन पर हम माउस ले जा रहे हैं, इमेज वैसा इफेक्ट शो कर रहा है। आपको जो भी इफेक्ट सेट करना हो उस पर क्लिक कर दें। इसी मेन्यू में नीचे की तरफ आपको आर्टिस्टिक इफेक्ट्स ऑप्शंस दिखेगा, जिसकी सहायता से आप और भी इफेक्ट्स इमेज में डाल सकते हैं। हम इस पर क्लिक कर रहे हैं। क्लिक करते ही राइट साइड में ये एक मेन्यू ओपन हुआ है। इसमें से हम आर्टिस्टिक इफेक्ट्स के सामने दिख रहे एरो पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करते ही एक सब ऑप्शन हमें दिखाई देगा। हम उसके सामने दिख रहे बॉक्स के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करते ही एक मेन्यू ओपन होगा, जिसमें से आप कोई भी इफेक्ट चुन सकते हैं। यहाँ नीचे दो स्लाइडर्स हैं, ऊपर है ट्रांसपेरेंसी। इस स्लाइडर की सहायता से आप पिक्चर की ट्रांसपेरेंसी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। और उसके नीचे है प्रेशर, पिक्चर को वापस नॉर्मल करने के लिए रीसेट पर क्लिक कर दें। चलिए अब हम आपको इमेज को कंप्रेस करके बताते हैं। कंप्रेस पिक्चर्स हमें तब काम आता है जब हमें ईमेल्स में बड़ी फाइल्स भेजनी हो और वो फाइल साइज ज्यादा होने के कारण अटैच नहीं होती है। कंप्रेस पिक्चर्स की सहायता से आप इमेज की फाइल साइज कम कर सकते हैं। इससे इमेज के डायमेंशन या क्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इमेज वैसी की वैसी दिखेगी। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये देखिए एक विंडो ओपन हुई है। इसमें कई ऑप्शंस हैं। पहला है अप्लाई ओनली टू दिस पिक्चर, जो कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, मतलब केवल एक पिक्चर कंप्रेस होगी। दूसरा है डिलीट क्रॉप्ड एरियाज ऑफ पिक्चर, ये भी पहले से ही सिलेक्टेड है। इसका मतलब ये कि यदि आप पिक्चर को क्रॉप करते हैं तो ये ऑप्शन क्रॉप किए गए एरिया को हटाकर पिक्चर को कंप्रेस करेगा। उसके नीचे जो ऑप्शन सिलेक्टेड है वो है यूज डॉक्यूमेंट रिजोल्यूशन, मतलब जो डॉक्यूमेंट का फाइल साइज है वो वैसा का वैसा रहेगा। और यदि आप ईमेल भेजने के लिए डॉक्यूमेंट की फाइल साइज को कंप्रेस करना चाहते हैं तो इसके ऊपर वाला ऑप्शन मतलब ईमेल सिलेक्ट कर सकते हैं। इतना करने के बाद ओके पर क्लिक कर दें। इस तरह आप पिक्चर का साइज कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस पिक्चर्स के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज पिक्चर, जिसकी सहायता से आप पिक्चर बदल सकते हैं। इस ऑप्शन को क्लिक करने पर एक विंडो ओपन होगी, जिसकी सहायता से आप अपने कंप्यूटर से या फिर ऑनलाइन कोई भी पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हैं। हम आपको कंप्यूटर से पिक्चर इंसर्ट करना तो बता ही चुके हैं, इस ऑप्शन की सहायता से हम ऑनलाइन पिक्चर इंसर्ट करना भी सीख लेते हैं। हम यहाँ पर दिख रहे बिंग इमेज सर्च ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। उस पर क्लिक करते ही कुछ कैटेगरीज आपको दिखाई पड़ेंगी। आप यहाँ से भी आपकी इच्छा अनुसार कैटेगरी चुन सकते हैं। चूंकि हमें कार्टून वाले खरगोश का फोटो यहाँ डालना है तो हम यहाँ टाइप करते हैं रैबिट। इतना टाइप करते ही देखिए यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू में कुछ ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें से हम रैबिट कार्टून चुनते हैं। ये देखिए इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर काफी सारी इमेजेस दिखाई देने लगी हैं। अब इसमें से जो भी इमेज चाहिए उस पर क्लिक करें और फिर इंसर्ट पर क्लिक करें।
इंसर्ट पर क्लिक करते ही पुरानी इमेज नई वाली इमेज से रिप्लेस हो जाएगी, यानी पुरानी इमेज यहाँ से चली गई और ये नई यहाँ पर आ गई है। अब चलिए हम आपको लास्ट ऑप्शन के बारे में बता देते हैं। उसके लिए हम इस इमेज में कोई भी इफेक्ट दे देते हैं। जैसे हमने ये इफेक्ट दिया है, अब यदि हम इस इफेक्ट को या किसी भी इफेक्ट या कलर को या फिर एडिटिंग को इमेज से हटाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमें वही ओरिजिनल इमेज मिल जाए, तो हम इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे और फिर रीसेट पिक्चर के आगे दिख रहे ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करते ही यहाँ पर दो ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे, रीसेट पिक्चर और रीसेट पिक्चर एंड साइज। यदि आप केवल पिक्चर को रीसेट करना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन चुनिए, और यदि पिक्चर को रीसेट करने के साथ पिक्चर को ओरिजिनल साइज में लाना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन चुनिए। यहां से हम पहला ऑप्शन चुन रहे हैं। ये देखिए, उस पर क्लिक करते ही पिक्चर जैसी थी वैसी हो गई है। MS Word 2016 के इस अध्याय में फॉर्मेट टैब में एडजस्ट ब्लॉक के अंतर्गत आज आपने सीखा पिक्चर बैकग्राउंड हटाना, आर्टिस्टिक इफेक्ट डालना, पिक्चर कंप्रेस करना इत्यादि। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।